नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारे दूसरे यूनिट का अगला प्रश्न लेके आए। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से किन्हीं चीजों में अलग रहेगा। यह पिछले प्रश्न में हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड यूज की थी और हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या कहा था उस वक्त कि जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगा, क्योंकि हम लोगों को यह नहीं पता कि पॉलिसी कितने की है, तो एवरेज क्लॉज लगाना है कि नहीं लगाना है हमको पता नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, हमारे लॉस ऑफ स्टॉक को हमारा बीमा दावा समझा था। अब इस प्रश्न में जो आज हम करने वाले या उससे और थोड़ा सा एडवांस है, नया आगे कुछ चीजें नई दी गई है, कुछ नए तरीके के एडजस्टमेंट रहेंगे, नई तरीके की चीजें प्रश्न में दी गई है उस बारे में देखेंगे। प्रश्न कहता है कि 30 सितंबर को 1998 में एक गोडाउन में आग लगती है, गोडाउन की 80% बिल्डिंग और स्टॉक जल जाता है पूरी तरीके से, और क्या बोलते हैं गोडाउन और उसके स्टॉक का 3 लाख और 1 लाख का इंश्योरेंस था, मतलब 3 लाख का गोडाउन का इंश्योरेंस था और 1 लाख का स्टॉक का इंश्योरेंस था, और एवरेज क्लॉज पॉलिसी में मेंशन था। इसके साथ ही हमको कुछ और जानकारी दी गई है, किससे संबंधित है जानकारी, पिछले वित्तीय वर्ष के ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है, और चालू वित्तीय वर्ष की जो परचेज सेल्स और स्टॉक की इंफॉर्मेशन है वह दी गई है। लेकिन इस जानकारी के साथ में अगर हम प्रश्न में देखते हैं तो हमको सिर्फ कैश सेल दिया गया है, क्रेडिट सेल दिया नहीं गया है। इसका मतलब हमको क्रेडिट सेल्स निकालना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स निकालना है मतलब जो डेटर्स अकाउंट से संबंधित जानकारी दी गई है प्रश्न में, उसके लिए हमको डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसी के साथ में स्टॉक का सैलवेज वैल्यू दिया गया है, जलने के बाद कितना पैसा उसका आ पाएगा, 5000 दे पाएगा कोई भी, और हमको बोला गया कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। तो चलिए उत्तर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बना लेंगे डेटर्स अकाउंट ताकि हम लोग डेटर्स की वैल्यू निकाल सकें। डेटर्स अकाउंट सबसे पहले बना लेते हैं, फॉर्मेट वही रखेंगे जो अभी तक हम लोग फॉलो करते थे। दो बाजू बना लीजिए, डेबिट के लिए क्रेडिट के लिए, डेबिट के लिए एक बाजू, दूसरी बाजू क्रेडिट साइड के लिए बना लीजिए, डाल दीजिए हेडिंग पर्टिकुलर अमाउंट। तो डेटर एक असेट होता है, इसलिए इसके ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे हमको ओपनिंग बैलेंस लेना है, कितना दिया गया है 30,000। इसी के साथ में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया गया है, तो डाल दीजिए बाय कैश अकाउंट, कितना कैश रिसीव किया हम लोगों ने डेटर्स से। तो प्रश्न में दिया गया कि 1,60,000 का कैश रिसीव किया है हम लोगों ने, ले लिया। फिर कितना डिस्काउंट दिया डेटर्स को, 5,000 का, डाल दीजिए बाय डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट पे, सॉरी अलाउड आएगा, पेड नहीं आएगा, हमको मिला नहीं है, हमने दिया है बाय डिस्काउंट अलाउड 5,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया गया है 20,000 का दिया गया है, नोट डाउन कर लेंगे 20,000। टू अब और क्या चीज लगेगी हमको, हमको लगेगा क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए, तो क्रेडिट सेल्स का बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा बाय क्रेडिट सेल्स, या कौन सा फिगर रहेगा, ये फिगर रहेगा बैलेंसिंग फिगर। लेजर को बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वह वहां पे हमको लिखना है, तो ले लेंगे टोटल कर लीजिए 1,85,000 क्रेडिट का टोटल है, उतना ही टोटल हमारा कहां का आना चाहिए, डेबिट साइड का आना चाहिए 1,85,000, उसमें से 30,000 गए किसके, ओपनिंग बैलेंस के, तो फिर हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाता है 1,55,000। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर है, किसके लिए, क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए। यह क्रेडिट सेल्स की जानकारी हमको कहां लगेगी, यह जानकारी हमको लगेगी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब हम लोगों ने डेटर्स निकाल लिया,
एक काम हो गया, अब दूसरी चीज करते हैं, बनाते हैं पिछले वित्तीय वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड ऑन 31st of March 1998। जो चालू वित्तीय वर्ष है उसके पिछले वित्तीय वर्ष का हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेट पता चले। याद रखिएगा हमको क्यों बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेट आज नहीं पता है, वह पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर से दो बाजू बना लीजिए, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों में लिख लीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। दो दो कॉलम आ गए, एक डेबिट बाजू में आ गया एक क्रेडिट बाजू में आ गया। सबसे पहली चीज क्या आएंगी, टू ओपनिंग स्टॉक। प्रश्न में दिया गया होगा या तो पिछले वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होगा या ये उसी वर्ष का ओपनिंग स्टॉक दिया गया होगा। दिया है 60,000 रुपए, ले लेंगे। फिर टू परचेसेस, सॉरी पिछले वित्तीय वर्ष का ओपनिंग स्टॉक था 50,000, 60,000 चालू वित्तीय वर्ष का था तो 50,000 ले लेंगे। फिर परचेसेस कितना दिया गया है, 6,10,000 ले लेंगे, 6,10,000। सेल्स कितना है, सेल्स देख लेते हैं, सेल्स दिया गया है 10,00,000 डाल दीजिए, 10,00,000। और पिछले वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो इस वर्ष का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा, वो कितना दिया गया है, 60,000 रुपए दिया गया है, ले लेंगे 60,000। अब इतनी जानकारी के ऊपर से या इतनी जानकारी के भरोसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर लेंगे, पहले क्रेडिट के टोटल कर लेते हैं, 10,60,000 ले लेंगे इधर, 10,60,000 उसमें से 6,60,000 माइनस कर दीजिए, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता है, 4,00,000 आ जाता है। ये 4,00,000 का जो हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, यही क्या है, इसी के ऊपर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ले लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4,00,000 है, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है, 10,00,000 का सेल्स है, 100 से गुणाकार कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 40%। हमारा पिछले वित्तीय वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 40% था। तो इस वर्ष में जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना लेंगे, 40% लेंगे। चलिए चालू वित्तीय वर्ष का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हेडिंग दे दीजिए सबसे पहले, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पीरियड, द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1998 टू आग किस दिन लगी वह देखना है। तो आग लगी थी कब, 30 सितंबर 1998 को, फ्रॉम 1 अप्रैल 1998 टू 30 सितंबर 1998। ये हमारा क्या रहेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड रहेगा। इतने समय के लिए हमको क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बस बना लेंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट में मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह की कमतरता है, इसीलिए आप लोग समय समय से लिख लेंगे प्रश्न उत्तर जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। बाकी जो ज्यादा जरूरी जानकारी होती है तो हम लोग ऊपर शॉर्ट में लिखते हुए ही चलते हैं, ताकि हमको जब कभी जरूरत पड़े हम उसका रेफरेंस ले सके, उसको वापर सके। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो ओपनिंग स्टॉक, पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 60,000 था, वही इस वर्ष का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक 60,000। इसके साथ में परचेसेस के संबंधित जानकारी दी गई है हमको, कितना परचेसेस बताया गया है 1 अप्रैल से 30 सितंबर 98 का 1,80,000 का डाल देंगे। फिर सेल्स लेना है, दोनों तरह के सेल्स दिए गए हैं। हम लोगों ने प्रॉब्लम की जब चर्चा कर रहे थे प्रश्न की, जब हमने बोला था हमको कैश सेल दिया गया है 1,00,000 रुपए का, वह ले लेना है पहले। उसके साथ में डेटर्स अकाउंट बना के हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स कितना लिया था 1,55,000, दोनों लेके टोटल बाहर निकालेंगे 2,55,000। तीसरी चीज क्या निकालनी है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बोला था हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट 40% किसका, सेल्स का, सेल्स कितना है हमारा 2,55,000 गुणीला 40% गुणीला 40% कितना आ जाएगा बेटा 1,02,000। जैसे ही हमको हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है हमको एक ही काम करना है, दोनों बाजू की टोटल कर लेनी है। ये टोटल करते से हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमारा यहां पे जो हमको निकालना है बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, यह जो निकालना है वो हमको मिल जाएगा। तो टोटल कितनी आती है पहले वो देख लेते हैं, ₹3,42,000 टोटल है हमारी, इसकी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल कितनी आती है 3,42,000। उसमें से कितना माइनस करना है 2,55,000 माइनस करना है, मतलब क्या हुआ कि 87,000 का हमारा क्या है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर है। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर है, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 87,000 का। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली गई थी, इंश्योरेंस पॉलिसी 1,00,000 की थी, किसके लिए स्टॉक के लिए थी। तो अब निकालते हैं सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में देखते हैं। चलिए यहां पे पहले डाल देते हैं तीसरी चीज, दूसरी चीज कि हमारा 87,000 का क्या था स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर था। तीसरी चीज सैल्वेज वैल्यू कितना दिया गया है प्रश्न में, अगर हम प्रश्न की शुरुआत में देखेंगे तो हमको सैल्वेज वैल्यू बोला गया है 5,000 का है, चलिए ले लेंगे 5,000। चौथी चीज लॉस ऑफ स्टॉक, अब फिर से क्या हो रहा है देखिए, आपका पॉलिसी कितने का था 1,00,000 का था, और आपका नुकसान कितने का हुआ है, आज लॉस ऑफ स्टॉक, आज स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 87,000, मतलब पॉलिसी से कम है, इसलिए यहाँ पे एवरेज क्लोज लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा वही क्या रहेगा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम, यही हमारा क्या रहेगा अमाउंट ऑफ क्लेम। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो हमारा लॉस ऑफ, जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा वो निश्चित तौर से हमारे पॉलिसी के अमाउंट से कम रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं किस तरीके से रहेगा, तो लिख लेंगे स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 87,000 माइनस सैल्वेज्ड वैल्यू कितनी आई 5,000, मतलब कितने का एक्चुअल नुकसान हुआ 82,000 का। ये क्या है लॉस ऑफ स्टॉक है, या फिर इसी को बोलेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज्ड,
टू बी लॉस्ट। ये कैसे आया ये लिखने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे एक फुटनोट दे सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि एज द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज 1 लाख विच इज सफिशियंट टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक दैट इज ऑफ रुपीज 87,000 और विच इज मोर देन द लॉस ऑफ स्टॉक दैट इज इट इज 2,000 देयरफॉर देयर वुड नॉट बी एनी क्वेश्चन और एनीथिंग रिलेटेड विद द एवरेज क्लॉज। क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारा 1 लाख है जबकि हमारा एक्चुअल स्टॉक का नुकसान 82,000 का है और हमारा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था 87,000 का था, इसीलिए एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। ऐसा क्लियर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको कोई भी चीज की वहां पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज क्या आती है कि हमारा गोडाउन में भी आग लगी थी, वही इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी भी हमको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ेगा, तो लिख लेंगे। अगली बात यहीं पे हम लोग एक बाजू में बना लेते हैं, जैसे चार चीज हो गई, पांचवी चीज बना लेते हैं हम लोग यहां पे। इसको मैं विभाजन कर देता हूं, डिवाइड कर देते हैं इसको ऐसे। तो पांचवी चीज क्या है, अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर गोडाउन, वहां निकालना पड़ेगा। तो ये कितने का आता है वह देखना पड़ेगा। तो गोडाउन से संबंधित जानकारी थी कि क्या गई थी कि 80% गोडाउन का बिल्डिंग जल गया था। तो अमाउंट ऑफ क्लेम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 80% ऑफ गोडाउन बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, 80% बिल्डिंग जल गई थी। देयरफोर पॉलिसी कितने का दिया गया है, 3 लाख का दिया गया है, 3 लाख गुणीला 80% इक्वल्स टू 2,40,000 रुपए। ये क्या आएगा हमारा अमाउंट ऑफ पॉलिसी आएगा किसके लिए, अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा किसके लिए, गोडाउन के लिए 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। इस तरीके से क्यों निकाला, उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि आपको गोडाउन बिल्डिंग की बुक वैल्यू दी नहीं गई थी। और जब ये वैल्यू नहीं दी गई रहती है तो हम लोग क्या सीधा सीधा क्या कर लेते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है उसका 80% ले लिया। समझ में आया। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, इसके बाद के वीडियो लेक्चर से हम लोग हमारा अगला यूनिट प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।